वेलकम स्टूडेंट्स, ये बीए सेकंड ईयर और बीए बीएड सेकंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर की क्लास है और इसके अंदर हम पोइट्स पढ़ रहे हैं। हम सबसे पहले इंडियन पोइट्स जो हैं उनको कवरअप कर रहे हैं। हमने पहले काफ़ी पोइमें पढ़ ली थी, लास्ट पोइम जो पढ़ी थी अपन ने उसका नाम था द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। आज हम एक नई पोइट पढ़ेंगे, उसका नाम है ए के रामानुजन। आज हम पढ़ेंगे ए के रामानुजन को पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ी बहुत बातें इस पोइट के बारे में जानेंगे। ए के रामानुजन जो थे, उनकी जो डेथ बर्थ जो है, उनका बर्थ जो है वो 1929 में हुआ था। उनकी डेथ जो है 1993 में हो गई थी। ठीक है, थोड़ी बहुत बातें उनकी लाइफ को लेकर कर लें। पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये बिलिंगुअल राइटर थे। बिलिंगुअल राइटर वो राइटर होता है जो दो भाषाओं में लिखता है। रामानुजन जो थे तमिल में लिखा, उन्होंने पहले तो तमिल में लिखा और इंग्लिश, उन्होंने दो भाषाओं के अंदर अपना लेकिन मास्टरी जो थी, मास्टरी जो थी तीन लैंग्वेज पर थी। मतलब एक रामानुजन को तीन भाषाएं आती थी। कौन कौन सी आती थी? इंग्लिश भी आती थी, तमिल भी आती थी, कन्नड़ भी आती थी। लेकिन उन्होंने लिखा सिर्फ दो भाषाओं में है, इंग्लिश में और तमिल में। उसी बात इनका जन्म जो है मैसूर में हुआ था 1929 में। बताई थी आपको 1929 के अंदर मैसूर के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके कुछ फेमस वर्क है और काफी कुछ वर्क है इनके, लेकिन तीन ही लिखे जो फेमस है। पहली है स्ट्राइडर्स, इसमें कोई भी कलेक्शन नहीं होती है। स्ट्राइडर्स 1966 में आया था। रिलेशंस 1970 में आया था। सिलेक्टेड पोइम्स 1976 में आया था। अपन की तो पोइम हो ही चुकी रिलेशंस नामक जो पोइट की कलेक्शन है वहाँ से ली गई है। तो आज हम अपने कोर्स के अंदर इनकी तीन पोइम है। एक तो पहली पोइम है ऑफ मदर्स अपॉन अदर थिंग्स, दूसरी पोइम है प्रोफिट जिसको हम पढ़ेंगे, तीसरी पॉइंट जो है वो है रिवर। इन तीनों पॉइंट में अपन स्टडी करेंगे। एक क्वेश्चन पक्का आना है एक के रामानुजन से, हमेशा आता है, ध्यान से पढ़ेंगे तीनों पॉइंटों को। आज हम सबसे पहले ऑब्चरी नामक पॉइंट को पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन ये समझेंगे कि ऑब्चरी का मतलब क्या होता है। ऑब्चरी का मतलब मैंने लिखा हुआ है नोटिस ऑफ समबडी इज देयर, किसी की देयर का नोटिस। अखबार में देखते होंगे आप जब कोई मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बारे में अखबार में सूचना दी जाती है। कॉलम कौन से कॉलम में सूचना दी जाती है? वो ऑब्चुरी नामक कॉलम होता है, जिसे शोक संदेश भी कह सकते हैं अपन। उस कॉलम में उस व्यक्ति के बारे में सूचना दी जाती है। ए के रामानुजन ने बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट उठाया है, वो है ऑब्चुरी। इस पोइम के माध्यम से वो एक कटाक्ष करना चाह रहे हैं। तो ये पोइम जो है जो है ये किसके बारे में है? अबाउट द डेथ ऑफ हिज फादर। एक रामानुजन के फादर हैं, खुद के फादर को लेकर के उन्होंने पोएम लिखी है। जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक रामानुजन जो है अपने पिताजी की रेस्पेक्ट नहीं करते थे, लेकिन उनका एक तरीका था, कोई भी जो बात कहते थे हमेशा आयोनिकल मैनर में कहते थे। आयोनिकल मैनर का मतलब व्यंग के रूप में कहते थे। शब्द कुछ हैं, व्यंग का मतलब होता है शब्द कुछ हैं और अर्थ और कोई होता है। उनकी पोएम जो है काफी ह्यूमरस होती है। ह्यूमरस का मतलब होता है काफी हास्य से भरी होती है। उनकी पोएम में काफी क्या होती है? ह्यूमरस होती है, हास्य परिपूर्ण होती है। तो आज हम पढ़ेंगे ऑब्चुरी। इस ऑब्चुरी नाम पोएम के अंदर
अपने पिता को व्यंग कर रहे हैं, व्यंग के रूप में उनके बारे में बता रहे हैं। जो भी पिता ने कैसे जीवन किया, किस तरह का जीवन किया, ये सब बातें व्यंग के माध्यम से फादर के बारे में पढ़ेंगे। और पिछली बार समझ गए, इसका मतलब ये है उनके पिताजी का देहांत हो चुका है। देहांत होने के बाद उनकी पांच लाइफ के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्टोरी के अंदर उन्होंने फादर की पांच लाइफ बताने में लेकिन मैं स्टडी करने की ज़्यादा बड़ी जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। एक बार में आप इसमें आ जाइए तो हम शुरू कर रहे हैं। मैं इसका नाम है ऑपरचुनिटी। ऑपरचुनिटी को शुरू कर रहे हैं। पहली लाइन है फादर, फादर मैन ही पास कॉम, मैन ही पास ऑन। एक बार आप बता दो, जब भी आपको वीडियो देखें, जैसे आप पता लगा ये कोई भी लोग ऑपरचुनिटी सर होते हो, ऑपरचुनिटी कोई पढ़ा रहे हैं तो आप पहले उस ऑपरचुनिटी कोई को डाउनलोड करें, अपने पास रखें, फिर इस कोई को पढ़ें तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। हो सकता है बोर्ड से आपको अच्छे से स्पष्ट नजर नहीं आए। लेफ्ट प्लस, लेफ्ट प्लस ऑन ए टेबल ऑफ पेपर्स, ऑन ए टेबल ऑफ पेपर्स लेफ्ट डैड्स एंड डॉटर्स एंड डॉटर्स ए बैड राइटिंग, ए बैड राइटिंग ग्रैंडसन, ग्रैंडसन नेम बाय द टॉस, नेम बाय द टॉस ऑफ ए कॉइन, ऑफ ए कॉइन आफ्टर हिम। इनकी पोएम में किसी तरह कोई राइम नहीं है, किसी का राइम वगैरह नहीं है इनकी पोएम में। बिल्कुल कोलोकियल लैंग्वेज में लिखी हुई पोएम है। कोलोकियल लैंग्वेज का मतलब जो अपन बोलते हैं उस लैंग्वेज के अंदर ये पोएम लिखी हुई है। बिल्कुल सिंपल भाषा है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है। आप देख सकते हैं पहली लाइन में क्या कह रहे हैं फादर। अब पहले ही शब्द उन्होंने फादर लिखा है, इसका मतलब वो अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं। क्या कहते हैं फादर मैन पास ऑन, पास ऑन का मतलब डाइड, पास ऑन का मतलब क्या होता है डाइड। पिताजी जिनका देहांत हुआ, जब पिताजी डेथ हो गई तो उनके बाद के बारे में बता रहे हैं। पिताजी डेथ हो गए, चले गए इस दुनिया से, तो क्या क्या चीजें छोड़ गए, ये पॉइंट पंक्ति को माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा है। तो पिताजी तो चले गए, अपने पीछे क्या क्या लीगेसी वसीयत, लीगेसी कहती है वसीयत, छोड़ गए वो सब बातें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहली चीज क्या छोड़ गए, लेफ्ट डस्ट, लेफ्ट डस्ट डस्ट छोड़ गए। ऐसा लगता है पिताजी का सेपरेट रूम था, उनका अलग कमरा था, सारी चीजें उनके पास रहती थी, उनकी किताबों के ऊपर चीजों के ऊपर धूल ही धूल छोड़ गए। ऐसा लगता था पिताजी को साफ सफाई पसंद नहीं थी। अपने पुत्रों के द्वारा चुकाने के लिए कर्जा छोड़ रहे हैं।
जीना करने वाले कोमा में छोड़ गए जेनू, एक टी चौकी की दिए छोड़ के बिस्तर को जीना करने वाला एक कोता छोड़ गए, और उस पोते का नाम रखा गया था नेम। उस पोते का नाम कैसे रखा गया था? आई टॉस्ट, टॉस्ट में उछाल कर ऑफ ए कॉइन, एक सिक्के, एक सिक्के को उछाल कर हेड आई या टेल इस तरह उछाल कर उसका नाम रखा गया था एक पक्षी का तोता छोड़ गया। तोता नहीं, तोता छोड़ गया। क्या समझे था? जब उनके पिताजी मर गए तो पुत्रों के लिए बहुत सी चीजें छोड़ गए, ठीक है, इसके रूप में गेम के रूप में कह रहा है कि तुम्हारे लिए इसके अंदर 10 छोड़ गए, ताकि इसे पुत्र वगैरह है, बहू वगैरह है, उसे साफ करेगी, कर्जा छोड़ गए, बेटे छोड़ गए, शादी करने के बेटे छोड़ गए, एक बैड रेपुटेशन, ब्रांड सेम छोड़ गए, तुम इसको पाल दे ना, मैं चला दुनिया से। इस तरह मतलब कि पूछना है पहला स्टैंडर्ड का आपको समझ आ गया होगा, अब हम पढ़ेंगे दूसरा स्टैंडर्ड। एनवी टाइप था या जलनशील था, तो
ही बर्न, जैसा नेचर था उसी तरह बर्न हम जल गए प्रॉपर्ली, माने सही ढंग से ऑन द क्रिमेशन, क्रिमेशन को जगह होगी जहाँ मृत्यु जलाया जाता है, दाह संस्कार स्थल। क्रिमेशन क्या होता है? दाह संस्कार स्थल जो होता है वहाँ पर मृत्यु करे देने का मतलब ये है। लेकिन आमन जो थे उनकी नेचर का तो जेनस टाइप थी, अपनी एंट्री टाइप थी, और वो अपने स्वभाव के अनुसार बहुत प्रॉपरली मतलब उनकी बॉडी जो थी वो जल रही थी। ये भी देख रहे हो आप हर लाइन में, इन एवरी लाइन देर इज आयरनी, हर लाइन में एक आयरनी है, इस बात को देख सकते हैं। आगे देखते हैं, कठोर हो गई थी। सम पॉइंट टू पॉइंट कुछ हड्डियां जो थी